हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? मैं आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग कुछ और टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। आज कोई भी एंजल्स नंबर नहीं, कोई भी बटरफ्लाई के ऊपर, कोई भी फेदर्स के ऊपर, कोई भी एंजल साइन के ऊपर आज वीडियो नहीं है। आज लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर है, अफर्मेशन के ऊपर है, मैनिफेस्टेशन के ऊपर है। तो आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है, तो आप लोग ज़रूर अंत तक सुनना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। लेकिन आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले कुछ और भी बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। जो लोग मेरे चैनल पे नए हों, अगर आपको ऐसी कंटेंट सुनना जानना पसंद है तो आप लोग जरूर जुड़े रह सकते हो मेरे साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। और जो ऑलरेडी कर चुके हैं उनके लिए बहुत बहुत प्यार और धन्यवाद सबको। ऐसे ही जुड़े रहना हमेशा हमारे साथ। चलो आज की जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करते हैं। क्या आप अपनी ज़िंदगी में फिर से बैक करना चाहते हो, मतलब पाना चाहते हो अपने एक्स को, चाहते हो कि वो बैक करे अपनी ज़िंदगी में? तो कुछ ऐसी टेक्निक है जो आज आपके साथ शेयर करूँगी, लेकिन आपको ध्यान से वो टेक्निक सुननी होगी और अच्छे से अप्लाई भी करना होगा, तभी वो टेक्निक आपकी काम आएगी। अगर कुछ भी गलत किया तो कुछ भी काम नहीं होगा और उल्टा असर हो सकता है, ठीक है? तो इसीलिए जो भी आपके एक्स है उनके बारे में आपको अच्छे से सोच रखनी है, ना कि ये सोच रखनी है कि अगर आपसे वो फिर से बात करें तो आप उनको डांटोगे या फिर कुछ ऐसी लड़ाई करोगे जो आप करना चाहते हो उनके लिए, कुछ ऐसी मतलब ईगो दिखाओगे या फिर कुछ ऐसे ब्लेम करोगे कि आप ऐसे क्यों थे, ऐसे क्यों हो गए हैं, ऐसे नहीं है, ठीक है? आपको उनके बारे में अच्छी सोच रखनी है, तभी आपकी सारी काम आसानी से होगी। अपनी सारी जो टेक्निक आप करोगे वो अच्छे से अप्लाई होगी, ठीक है? तो इसीलिए आपको फर्स्ट जो ध्यान में रखना है वो है कि आपको अच्छी सोच रखनी है उनके बारे में। कुछ भी लड़ाई झगड़ा ऐसे सोच नहीं रखनी है, ठीक है? अगर आप सच में अपनी एक्स को पाना चाहते हो ज़िंदगी में फिर से, तो फर्स्ट जो है आपको अच्छे से एक अफर्मेशन करनी है। क्या करनी है? वो है कि आपको प्रेजेंट टेंस में सब कुछ करनी है, ना कि आपको मतलब ऐसे, मतलब मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे कि आप ये सोच रहे हो, आप यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कर रहे हो, आप ये बता रहे हो कि थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आपने फिर से मेरे लिए काम किया, फिर से मेरी एक्स को मेरी ज़िंदगी में वापस आपने दिला दिया, उनको मेरे साथ फिर से एक अच्छे से मेमोरी क्रिएट करने के लिए, आप एक अच्छा बॉन्डिंग क्रिएट करने के लिए, एक अच्छा सा रिलेशनशिप क्रिएट करवाने के लिए मेरे साथ जुड़ा है और हम लोग कभी भी बिछड़ेंगे नहीं, हम लोग जो इस बॉन्डिंग में रहे हैं, जो भी है अभी हमारे अंदर, जो भी रिलेशनशिप में जो भी कुछ है, लव है, मतलब जो भी केयर है, सारी चीज़ बहुत ही अच्छे से होगी और हम लोग एक दूर की रिलेशन कैरी करेंगे, एक अच्छा सा रिलेशनशिप हमारे लिए वेट कर रहा है, इसीलिए हम फिर से एक हो गए हैं और मैं बहुत ही अच्छी फील कर रही हूँ, बहुत अच्छी सी फील हो रही है मुझे कि उनको मैंने वापस पा लिया है और मैं उन्हें बहुत प्यार करती हूँ और वो भी मुझे बहुत प्यार करता है, ठीक है? और फिर से हम लोग एक अच्छा एक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, एक अच्छा सा हम रिलेशनशिप कैरी करेंगे और अच्छे से हम लोग रहेंगे, ज़िंदगी को बिताएंगे और हमारी जो ये लव लाइफ है बहुत ही अच्छी होगी, बहुत ही स्मूथ होगी, बहुत ही रोमांस से भरा होगा, बहुत ही अच्छी लाइफ हम लोग देखेंगे, अच्छी अच्छी एक्सपीरियंस करेंगे और हमें सारी बातें क्लियर हो गई है, हमारे बीच कोई भी डाउट या फिर कुछ भी ऐसी बातें नहीं है जो हमारी रिलेशनशिप को खराब कर सके। थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमें फिर से मिलाने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमें फिर से मिलाने के लिए, थैंक यू सो मच यूनिवर्स हमें फिर से मिलाने के लिए, थैंक यू, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स, आई लव यू यूनिवर्स। ऐसे ही आपको कुछ अफर्मेशन करनी है, कुछ मैनिफेस्टेशन ट्राई करनी है, बहुत अच्छे से ट्राई करनी है और बहुत अच्छे से करनी है। दिन में अब 2-3 बार कर सकते हो, लेकिन मैं बातें करूँगी आपको जो आपको करनी है वो मॉर्निंग में आप करोगे, सुबह उठ के तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं क्योंकि उस वक्त आपकी वाइब्रेशन बहुत ही हाई रहती है। और सोने से पहले ये 2 टाइम अगर आप करोगे दिन में, जब तक आपकी कम मतलब ना हो जाए, और
अफर्मेशन और भी हो सकता है, जैसे कि मैंने ये बताया आपको, और एक अफर्मेशन आप कर सकते हो, वो है कि थैंक यू यूनिवर्स, उसने मेरा कॉल को रिसीव किया, फिर से उसने मुझे कॉल किया, उसने मुझे अनब्लॉक किया, और उसके साथ मेरी बॉन्डिंग पहले से भी बहुत अच्छी हो गई है। थैंक यू सो मच हमारे साथ रहने के लिए, हमें फिर से एक करने के लिए, और वो हमारे पास आ गए हैं, और उसने हमें कॉल किया, उसने हमें मैसेजेस किया, और सारी चीज़ों से हमें अनब्लॉक किया। तो उस सारी चीज़ों के लिए आपको बहुत धन्यवाद यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आई लव यू यूनिवर्स। ऐसे भी अफर्मेशन आप कर सकते हो, मतलब आपकी ज़रूरत जो भी है, जिस जिसके लिए भी आपकी ज़रूरत है, उनको आपको मैनिफेस्ट करनी है, ऐसे अफर्मेशन करके आपको मैनिफेस्ट आपकी करनी है, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आपको इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि ये बहुत अच्छे से काम होते हैं, और एक टेक्निक है जो बहुत ही खास टेक्निक है, उनको अगर आप करोगे तो डेफिनेटली बहुत अच्छा रिजल्ट होगी। अगर आप ठीक से करोगे, मतलब 100% ठीक करोगे, तभी आपको रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। तो जो टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ वो बहुत ही अच्छी टेक्निक है, वाटर टेक्निक है, बहुत ही खास टेक्निक है, और बहुत अच्छे से काम करती है, बहुत जल्द काम करती है अगर आप अच्छे से करोगे 100% बिलीव के साथ। तो वो है कि आपको जब भी आप कुछ लिक्विड सा पीते हो, जैसे कि पानी, मैं आपको बता रही हूँ वाटर, ठीक है, अगर आप वाटर जब भी पीते हो तो आपको आप जितना पीना उस वक्त चाहते हो, मतलब आपकी जितनी ज़रूरत है उस वक्त पीने के लिए, उतनी वाटर आपको लेनी है, उतनी क्वांटिटी में आपको वाटर लेनी है। और हो सकता है कि आप ट्रांसपेरेंट बॉटल में लो, या फिर मग में लो, या फिर कप पे लो, या फिर किसी भी हो सकता है किसी भी पॉट पे आप लो, लेकिन वो ज़रूरी नहीं, लेकिन आपको पानी को देखना है। अगर आप बॉटल में लोगे तो वो बॉटल बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए, कोई भी कलर की हो सकती है लेकिन ट्रांसपेरेंट हो, आपको दिखाई दे, ऐसी आपको चूज करनी है, ठीक है। तो जब ये पानी पियोगे, मतलब सुबह उठ कर या फिर रात में सोने से पहले, तो पानी में आपको देखना है, और अच्छे से आपके जो भी पार्टनर है, जो भी एक है, उनकी चेहरे को आपको बहुत अच्छे से याद करनी है, मतलब आंखों के सामने बहुत अच्छे से क्लियर होनी चाहिए उसकी फेस, ठीक है। तो उसकी फेस को आपको याद करनी है, और अच्छे से आपको ये बताना है यूनिवर्स को, थैंक यू यूनिवर्स, प्रेजेंट टेंस में, वो भी आपको याद रखनी है, सारी चीजें प्रेजेंट में होगी, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में आपको बताना है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच, आप फिर से मेरे साथ, मेरी जो भी लव है, जो भी मेरी एक हो गए थे लेकिन वो अभी मेरे प्रेजेंट हो गया है, मेरे लव है, वो कभी भी एक्स नहीं हो सकता। मैं जानती थी कि आप मुझे कभी भी उनसे बिछड़ाओगे नहीं, वो हमारे एक्स कभी नहीं हो सकता, वो हमें प्यार करते, हम भी उनको प्यार करते, तो इसीलिए फिर से हमारी रियूनियन हो गई है, और फिर से हम लोग एक अच्छा सा बॉन्ड क्रिएट किया है, बहुत अच्छे से बॉन्डिंग हो गई है हमारे बीच, और बहुत ही केयरफुल एक रिलेशनशिप हम लोग कैरी कर रहे हैं। अभी उन्होंने मुझे मैसेज किया खुद, उन्होंने मुझे सारी चीज़ों से अनब्लॉक किया खुद, और उन्होंने मेरे साथ कॉल पे बातें की, बहुत सारी बातें की हम लोग, और जो भी हमारे बीच प्रॉब्लम था, जो भी इश्यूज थे हमारे बीच रिलेशनशिप में, जो भी कुछ खराबी थे, वो सारी चीज़ें अभी क्लियर हो गई है, बहुत अच्छे से हम लोग समझ गए एक दूसरे को कि आ फॉल्ट था हम दोनों में, तो अभी हमारी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो गई है, हम बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं हम दोनों इस रिलेशनशिप को लेकर, और मैं चाहती हूँ कि हमेशा ये रिलेशनशिप हम लोग कैरी करें, हम एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो हम लोग को ऐसे मिलाने के लिए आपको थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, एंड लव यू, लव यू, लव यू, आई लव यू यूनिवर्स। ऐसे बोल के आपको वो पूरा पानी, जो भी आप जितनी क्वांटिटी में ले हो, वो पूरा पानी आपको पी जानी चाहिए, मतलब आपको पीनी है वो पूरा पानी, ठीक है, एक भी बूंद आपको नहीं छोड़नी है, किसी और के लिए नहीं, किसी और के लिए नहीं, मतलब किसी और अगर वो पानी पी लिया तो आपकी टेक्निक काम नहीं करेंगे, आपको ही सिर्फ वो
पूरा पानी पीना है, जितना भी पानी आप मतलब उस वक्त पी सकोगे उतना ही पानी लोगे, और जो टेक्निक मतलब बताया है आपको वो टेक्निक करने के लिए आपको उतना ही पानी लेना है जितना आप वो पी सकोगे उस वक्त के लिए, ठीक है। तो और सबसे ज़रूरी बात है कि आपको प्रेजेंट टेंस में सारी चीज़ों को बतानी है यूनिवर्स को, ठीक है। आप मन में बता सकते हो, आप विस्परिंग कर सकते हो, ठीक है, मतलब अच्छे से आपको क्लियर कट आपको सारी बातें बतानी है यूनिवर्स को, ताकि आपकी जो सबकॉन्शियस माइंड है उनमें वो सारी बातें बैठ जाए और एक अच्छा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक आप कर पाओ, ताकि जल्दी से सारी बातें अच्छे से आपके लाइफ में वो एक्सपीरियंस कर पाओ, बहुत सारी बातें हो जाए जो आप पाना चाहते थे बहुत दिनों से, जो भी आप मतलब डिजायर करते थे, जो भी पाना चाहते थे, जिस बारे में भी आप सोच रहे थे कि काश वो मेरे पार्टनर मुझसे फिर से बातें करे, मेरे साथ उनकी रीयूनियन हो जाए, ठीक है, एक वापस आ जाए मेरे लाइफ में। तो जो भी टेक्निक, जो भी अफर्मेशन आपको बताया वो अच्छे से करना, अच्छे से मैनिफेस्ट करना, अच्छे से लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक को ट्राई करना, और अच्छे से मतलब 100% ट्रस्ट और बिलीफ के साथ आपको करनी है, ठीक है, खुद पे और यूनिवर्स पे, तभी आपकी सारी काम बहुत जल्दी हो जाएगी और देखना आपकी एक सबके ज़िंदगी में वापस आ जाएगी और आएंगे और अच्छे से वो आपके साथ एक बॉन्डिंग क्रिएट करेंगे, अच्छे से आपकी रिलेशनशिप कैरी करेंगे, वो आपके साथ बहुत अच्छे से रहेंगे, ठीक है, आपकी रिलेशनशिप बहुत अच्छी हो जाएगी। तो अगर आपको पाना चाहते हो उनको फिर से, तो ये सारी टेक्निक जो बताया है वो करना और अच्छे से ज़िंदगी की सारी बातों को याद रखना और अच्छे से लाइफ को लीड करना, बस यही आपको करनी है पॉजिटिविटी के साथ। कोई भी नेगेटिव चीज़ें आप सोचोगे उस वक्त तो वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि टेक्निक ऐसे ही होती है, जो भी सोचोगे उस वक्त के लिए वही काम करेंगे। अगर नेगेटिव सोचोगे कि होगी या नहीं होगी, ऐसे सोचोगे तो नहीं होगी, ठीक है, 100% बिलीव रख के आप करोगे तो डेफिनेटली, अगर सच में वो टेक्निक आप करना चाहते हो तो 100% बिलीव ट्रस्ट के साथ आप ट्राई करो, और जो भी बताया है वो ठीक तरीके से करो, देखना बहुत अच्छे से रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो बताना कमेंट में ज़रूर कैसी लगी आज की वीडियो, अगर कुछ और भी वीडियो देखना चाहते हो, सुनना चाहते हो, तो ज़रूर कमेंट करना और लाइक कर देना आज की वीडियो अगर पसंद आए तो, और जो लोग अभी तक नहीं जुड़े ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे, और हमेशा पॉजिटिव रहना, हैप्पी रहना, गॉड की जो ब्लेसिंग है आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। चलो गाइस, लव यू ऑल, टेक केयर, टाटा, आज के लिए इतना ही, लव यू ऑल।